नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदागर सच। काफी सूत्रों के हवाले से आपने डेरा के कई स्कूल्स के बारे में सुना होगा और ये भी सुना होगा कि जो वहाँ महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है, मगर व्यक्तिगत रूप से जब बात आती है छात्रों से पूछने की तो क्या किसी से पूछा गया? नहीं। ऐसी ही एक छात्र हमारे साथ जुड़ी है, बताएंगी आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदागर सच। नमस्कार, क्या नाम है? पारसी। आप कौन से इस क्लास में पढ़ते हो और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्टार्टिंग में जो हमारा स्कूल है उसके हॉस्टल में भी मैं पढ़ी हूँ और वहाँ पे गर्ल्स बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कर रखी है ताकि लड़कियों को कहीं जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी सुविधा कर रखी है, हर गेम हमारे हॉस्टल में है कि बच्चा अगर ये खेलना चाहे तो ये भी खेल सकता है। और मैं वहाँ पे बचपन से पढ़ रही हूँ और अब मैं कॉलेज में हो चुकी हूँ, अब भी मैं अपने डेरे के स्कूल में पढ़ रही हूँ। जिस हिसाब से मीडिया में बताया जा रहा है कि वहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं है तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम खुद वहाँ पे पढ़े हैं और मेरे को आज 10 साल हो गए पढ़ते हुए, मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ। मगर आप कहते हो कि गुरुजी का जो इन्वायरमेंट है सेफ है गुरुजी के यहाँ, मगर मीडिया में फिर ऐसा क्यों दिखाया गया? ये आपकी पर्सनल बदनामी करी गई है मीडिया के अंदर, आपके स्कूल की बदनामी नहीं, एक तरीके से वहाँ के जो लड़कियों की बदनामी करी गई है। अब आप कहीं भी सर्टिफिकेट लेके जाते हैं तो आप पे क्वेश्चनिंग होगी, आपको उस नज़र से देखा जाएगा। जी वो तो देखा ही जाएगा, पर जो हम बता रहे हैं हम वहाँ पे खुद रहते हैं और हमने देखा है वहाँ का माहौल कितना अच्छा है और हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी कर रखी है। हम यहाँ डेरे में भी आते हैं, यहाँ पे भी हम अच्छा फील करते हैं क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा सेफ्टी कर रखी है यहाँ पे भी। गुरुजी ने महिलाओं के लिए क्या किया, लड़कियों के लिए काफ़ी कुछ किया है? जी जी, जो वैश्यावृत्ति की जो लेडीज़ हैं उनके लिए पिताजी ने उनको अपनी बेटी बनाया है और उनकी शादी भी पिताजी खुद करवाएंगे। और जो विकलांग जो हमारे समाज की जो औरतें हैं उनके लिए भी पिताजी ने कहा है कि उनकी भी शादियाँ यहाँ पे करवाएंगे। और बहुत पिताजी ने यहाँ पे मानवता भलाई के कार्य चला रखे हैं, हम भी उनके अंदर पूरा सहयोग देते हैं। क्वेश्चन ये है कि गुरुजी के इतना करने के बावजूद भी उन पे इतने एलिगेशंस क्यों? जी देखिए, अब हम तो यही कहना चाहेंगे जी, हमारी तो जैसे बहुत ज़्यादा सेफ्टी है और हम उसी सेफ्टी में रहे हुए हैं। बचपन से मैं आज इतनी बड़ी हो गई और हमारे आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं यहाँ पे। आपको दर्द नहीं होता कि आपके इतनी सेफ्टी देने के बाद भी आप उस गुरु पे एलिगेशंस लगाए? दर्द नहीं होता इस बात का कि इतने अच्छे गुरु पे एलिगेशंस लगाए जो कि आपको बेटियों से भी ज़्यादा एक फूल जैसे आपको माली जैसे संभालता हो? जी दर्द तो होता ही है, हर किसी लड़की को होएगा जिसके पापा के बारे में ऐसे गलत बोला जाएगा। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप उस जो मीडिया गलत बोलती है उनके बारे में मत सुने, हम यहाँ पे खुद रहते हैं और हमें पता है कि किस तरह से पिताजी हमारा ख्याल रखते हैं। गुरुजी ने वैश्यावृत्ति के बारे में भी इतना सोचा, क्या गुरुजी ने इन्वायरमेंट जो अभी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उसके बारे में कुछ सोचा? जी पिताजी जैसे बाहर आएंगे तो मतलब पिताजी ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे और हमारे तो यही दुआ है कि पिताजी जल्दी से जल्दी बाहर आए। गुरुजी ने आर्मी के लिए क्या किया? जी आर्मी के लिए पिताजी ने बहुत कुछ करा है, हर साल यहाँ पे होता है ब्लड डोनेट, साल में कोई 3-4 बार होता है और हम भी उसमें पूरा सहयोग देते हैं ब्लड डोनेट का और जितने संगत हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट यहाँ से किया जाता है हमारे डेरे में, खुद हम करते हैं, सब करते हैं संगत तो सब करते हैं। समाज को आज गुरुजी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? समाज को जिस हिसाब से समाज इतना बदल रहा है तो ज़रूरत है कि मतलब उनको आगे से आगे सबको सचेत किया जाए कि हमारे समाज में ड्रग्स फैले हुए हैं वो रोक के जाए, हमारे समाज में जो पाप हो रहे हैं उनको मिटाया जाए। तो उसके लिए पिताजी पहले भी करते थे और अब मैं चाहती हूँ कि पिताजी अब भी आगे ये सब करें, हम तो करते ही हैं और हमारे पिताजी ने ही हमें ये सब शिक्षा दी है कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए और बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए समाज से। अच्छा आप यहाँ पे पढ़े हो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा मीडिया की सुर्खियों में जो नरकंकाल एक आया था, जनता उसका जवाब जानना चाहती है, क्या है वो नरकंकाल? ग्रीनेस वेलफेयर जो फोर्स है किस तरीके का कार्य करती है? जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स हर तरह का काम करती है, कहीं पे आपदा आती है
है तो वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचती है। जैसे कि कहीं पे भूकंप आ गया तो वहाँ पे अगर किसी के लोगों के घर चले गए तो फिर उन्हें घर बनवा के देती है, और ऐसी अगर कहीं आग लग जाए तो वहाँ पे आग मिटाती है। ऐसे ही अगर सफाई अभियान का मौका मिले तो हम सबसे जल्दी जो हमारी ग्रीनेस्ट वेलफेयर फोर्स की विंग है वो सबसे पहले वहाँ पे जाके पहुँचती है और हर काम को वो करती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई ज़रूरतमंद के लिए कोई हेल्प के लिए काम किया जाए। सरकार से क्या अपील करना चाहोगी? सरकार से मेरी तो यही अपील है कि पिताजी को जल्द से जल्द रिहा कराया जाए ताकि वो हमारे पास आए और हमें और शिक्षा दे कि किस तरह से हम समाज से ये सब पाप और ये जो भी समाज में बुराइयां फैली हुई है उनको हम मिटा सकें जल्द से जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, एक डेरे के स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा का ये बयान था कि हमारे इज्जत के बारे में दिखाने वाले मीडिया वाले कौन होते हैं, इन लोगों की क्यों नहीं पूछी गई, इन लोगों से क्यों नहीं जाना गया कि आखिर इनके साथ क्या होता था। जो भी मीडिया में आए वो बड़े बड़े पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह पे कपड़ा लपेट के, या शायद वो भी नहीं सूत्रों के हवाले से आए। आखिर एक बहन बेटी की इज्जत तार तार करने का मीडिया को ऐसा किसने हक दिया, ये इन लोगों की मांग है। और ये यहाँ पे इतनी सेफ्टी के साथ है, जो दर्द है इतना दर्द मीडिया ने दिया है, इसकी भरपाई कौन करेगा, इसका जवाब ये मीडिया से जानना चाहते हैं। और सरकार से ये अपील है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जल्द से जल्द भेजा जाए ताकि जिस तरीके से वो समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो और अच्छे से स्टार्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।